पंजाब विधानसभा विच विरोधी धिर दे आगू कांग्रेसी आगू प्रताप सिंह बाजवा ने गुरदासपुर के पिंड कुट्टा विच राय ढाबा ते सिद्धू मूसेवाला के बुत के उद्घाटन समय भगवंत मान सरकार अते उस दी नीतियां ते तिखे शब्दी हमले किए। उन्होंने कहा एक पासे भगवंत मान अते उन्हां दी सरकार मोदी सरकार ते जमहूरीयत का गला कुट्टण के दोष लाउंदी है, पर दूजे पासे पंजाब च भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों के बुनियादी हकों तो वांझा कर रही है। इसकी मिसाल एक नौजवान लड़की जैनी जोल वालों गाए गए गीत उपर पंजाब सरकार वालों अण ऐलानी पाबंदी ला दी है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार की कार्रवाई की सख्त निंदा करते हैं। रायहट से जो अज सिद्धू मूसेवाले जी का एक स्टैचू लगवाया हल्के का प्यार और जो साढ़े म्यूजिक इंडस्ट्री में घाटा हो चुका ना पूरा होने कारण मेरे पुत्र मेरे भरावान के सहयोग न और मेरे फादर साहब के सहयोग न जो मैं रायहट से स्टैचू लगवाया उसकी याददाश्त में अज जो मेरे नाल सरदार प्रताप सिंह बाजवा जी उन्होंने आप अपने आके हाथों सिद्धू मूसेवाले जी फुल भेट किए ने ते आने वाले एक सरकार को मैसेज भी दिता कि जो वह आखा उन्होंने दवाया जाए जो वह घाटा वो पूरा किया जाए। तुम हैरान हो कि दुनिया भर च कई लोग जेडे पंजाबी फॉलो भी नहीं कर सकते जेडे बोल भी नहीं सकते उतों तक उन्होंने एक मशहूरी सी बहुत ज़्यादा। तो अज मैं इस गल का फख्र है कि साड़ी पार्टी नाल ये नौजवान एक पासे उन्होंने साड़ी सोच के नाल भी जुड़े सन उन्होंने जान का सानू बहुत गहरा दुख है। तो मैं अज इस मौके तो भगवंत मान जी मिस्टर पंजाब नू भी यह कहना चाहना कि मान साहब कल ही एक नौजवान पंजाब की बच्ची ने जैनी जौल जिहदा नाम है उन्हें एक गीत लिखिया जिहड़ा मैनू बहुत अफसोस होया जान के कि अज तुहाडी सरकार ने तुहाडे कहिंदे वो यूट्यूब तो जिहड़ा उहदा गीत है उहनू बैन करवाता। सारों नूं पहले तो समुचा जगत भगवंत मान जी तुहाडे कोलों ते तुहाडे सीएमओ चों इस गल दी क्लैरिफिकेशन मंगदा है कि यह जिहड़ा यूट्यूब तो गीत उतारिया गया इहनू बैन किया गया कि तुसीं करवाया। लुधियाना लाइव लई लक्की दी रिपोर्ट।